नमस्कार, आप सभी का निपुण स्मार्ट शाला चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आओ स्कूल चले प्रोजेक्ट को दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन कैसे करना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट देकर हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आओ स्कूल चले प्रोजेक्ट SERT द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है जो कि लो एनरोलमेंट स्कूल्स के लिए है। यह प्रोजेक्ट क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में सारी जानकारी हम इससे पहले वाली वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले जाएं, वो वीडियो देखें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद आप इस वीडियो पर आएं और यह जानें कि करना क्या है, कैसे करना है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको जो भी कार्य टास्क दिया गया है उसको आपको दीक्षा ऐप के ऊपर ऑनलाइन करना होगा। उसके लिए आप अपनी दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे, मैंने ये ओपन किया है। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे। प्रोफाइल पर जाने के लिए इसी पेज के सबसे नीचे राइट हैंड साइड में आपको प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। आपकी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप उसे एडिट करें। एडिट करने के लिए रोल में आप एज ए हेड टीचर और ऑफिशियल सिलेक्ट करें, सबमिट करें। बाकी डिटेल आपकी जो भी हैं वो आएंगी। सब रोल में जाएं, सब रोल में अगर आप हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर, हेड टीचर हैं तो हेड टीचर सिलेक्ट करें, एलिमेंट्री स्कूल हेड है तो एलिमेंट्री स्कूल हेड करें, जो भी आप हैं BO हैं तो BO, DO हैं तो DO, आप एज ए सिलेक्ट करें, सबमिट कर दीजिएगा। बाकी आपके स्कूल की क्लस्टर की डिटेल डालें और आप सबमिट कर दीजिएगा। आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप जब स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आप प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास ऐसा पेज खुल के आएगा। इसमें आपको दिखाएगा असाइन टू मी, मुझे कौन से प्रोजेक्ट असाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे आओ स्कूल चले अभियान, ये आपका दिखाएगा, आप इस पर क्लिक करें। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको ये दिखाएगा 0x5, यानी कि 5 टास्क हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। टास्क की डिटेल पर क्लिक करें, आपको ये सारे के सारे 5 टास्क दिखा दिए जाएंगे। इस दीक्षा ऐप के ऊपर काम को ऑनलाइन करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो 5 टास्क हैं प्लीज़ आप पहले इन्हें कर लीजिए, यानी कि अपने पेपर वर्क में आपको जो एक्टिविटी करनी है, जो प्लान बनानी है, जो कमेटी बनानी है, जो डाटा रखना है, SMC की मीटिंग करानी है, वो सारा का सारा डाटा आप तैयार कर लें अपने रजिस्टर में। जैसे कि आपको टास्क दिया गया है कलेक्ट एंड एनालाइज एनरोलमेंट डाटा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, 5 साल का डाटा अपना कलेक्ट कर लीजिएगा। कैसे कलेक्ट करना है उसके लिए आप व्यू रिसोर्स पर जाएँ, टेम्पलेट पर जाएँ, वीडियो को प्ले करें। आपका ये इंटरफेस खुलेगा, नीचे जाएंगे तो आपका एनरोलमेंट डाटा आ जाएगा, स्कूल का नेम, ब्लॉक का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, टोटल एनरोलमेंट 2022, 21, 20, 19, 18। ये ऐसा फॉर्मेट बनाएं, अपने रजिस्टर में लिखें, नोट करें, सेम फॉर्मेट बनाकर वापस आएं। पहले टास्क का इतना ही डाटा है जो अब आपके पास आ गया है। सेकंड टास्क, कंडक्ट मीटिंग विद टीचर्स एंड SMC मेंबर्स और डिस्कस एंड सेट एनरोलमेंट टारगेट फॉर दिस ईयर। आपको मीटिंग कंडक्ट करनी है टीचर के साथ, SMC के साथ। आप उसका एक एजेंडा निकाल लें, क्या क्या टॉप पॉइंट्स रहेंगे, आप कैसे कैसे करेंगे वो आप उसमें लिख लें। व्यू टास्क डिटेल, इसमें आप बैक करें, अभी इस पर ना जाएं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, फॉर्म ए वर्किंग कमेटी एंड प्लान एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसमें व्यू रिसोर्स में जाएं, आपको क्या क्या करना है, नामांकन कार्यक्रम गतिविधियाँ, क्या क्या गतिविधियाँ होंगी वो आप इसमें देख सकते हैं। इसको प्ले करें। इसमें आपको बताया गया है कि समुदाय को भागीदारी करें, ग्रह भ्रमण करें, है ना, चौपाल पर जाएं, इवेंट्स कराएं, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं जो आपको टास्क एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए करेंगे। यहाँ से आप वापस आएं, एनरोलमेंट प्रोग्राम एक्टिविटी, इसके अंदर आप जाएं और देखें क्या क्या एक्टिविटी हैं, उनकी आप फोटो खींचें, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कमेटी बनाई गई है उसकी फोटो खींचें। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ टास्क, कंडक्ट डिफरेंट एनरोलमेंट एक्टिविटी अलोंग विद वर्किंग कमेटी। बैक करें, कहते हैं कंडक्ट डिफरेंट एनरोलमेंट एक्टिविटी, यानी कि आप एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या अलग अलग एक्टिविटी कर रही हैं वो आपको यहाँ पर दिखानी होगी। यानी कि आप घूम रहे हैं गांव में जाके, बच्चों के पेरेंट्स से मिल रहे हैं, वहाँ की फोटो क्लिक करें बस। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, कैलकुलेट परसेंटेज इंक्रीज इन एनरोलमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर एंड करंट। देखो, इसके अंदर आप टेम्पलेट में जाएंगे, टेम्पलेट में जाके प्ले करेंगे। आपको ऐसा टेम्पलेट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, स्कूल नेम, टोटल एनरोलमेंट लास्ट ईयर क्या थी, करंट ईयर क्या है और कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, वो आप कैलकुलेट करके अपने रजिस्टर में बना लेंगे। यहाँ से हम बैक करेंगे। ये आपके 5 टास्क होंगे। अब ये कैसे कैसे काम करना है ऑनलाइन, आप फर्स्ट टास्क पे क्लिक करेंगे। अब स्टेटस पे आप ये काम कर चुके हैं,
क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे फिर इसको प्रोग्रेस में डालेंगे, यानी कि बार बार आपको वो टास्क करना होगा लंबे टाइम तक। अगर आप ये सारे टास्क करके इस पे आते हैं तो आप इस पे कंप्लीट पे चेक इन कीजिएगा, ओके कीजिएगा। ऐड सब टास्क नेम, यानी कि यहाँ पर आपको नाम देना है आपने जो टास्क किया, यानी कि अनरोलमेंट डाटा ठीक है। उसके बाद ऐड फाइल, ऐड फाइल जैसे ही करेंगे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे अपलोड का ऑप्शन एक्टिव होगा। माई स्कूल डाटा मैंने रिमार्क्स में डाल दिया है। गैलरी में जाएंगे, जैसे ही गैलरी में जाएंगे वहाँ से आप क्या करेंगे, कोई भी आपकी जो फोटो क्लिक करी है आपने उसकी फोटो को सिलेक्ट करेंगे। फोटो यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर दिखाएगा अटैच सक्सेसफुली, यानी कि आपका टास्क हो गया है। अब यहाँ से आप आएंगे बैक, आप बैक करना चाहते हैं, आर यू श्योर, यस, एग्जिट। आप देखो यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे सब टास्क का नाम मांगेगा, फिर यहाँ पे दे देना अनरोलमेंट डाटा, अनरोलमेंट डाटा। अब यहाँ से बैक करें, बैक करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया है, पहले नहीं था, देखो नीचे वाले में नहीं, इसमें आ गया, यानी कि आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया है, और ऊपर दिखा देगा 1/5। अब सेकंड टास्क पे फिर क्लिक करेंगे, नोट स्टार्टेड को कंप्लीट करेंगे, ओके करेंगे, टास्क का नाम लिख देंगे, ये आपकी कमेटी क्या है, ये मीटिंग एसएमसी, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ऐड फाइल में जाएंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक, अपलोड, गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाके फोटो को सिलेक्ट करेंगे, फोटो सिलेक्ट हो गई है, अटैच सक्सेसफुली, अपने आप ही सक्सेसफुली अटैच हो जाएगी। बैक करेंगे इसको, आर यू वांट टू गो बैक, यस, एग्जिट करेंगे। यहाँ पे सब टास्क का नाम दोबारा लिख लेना, एसएमसी मीटिंग लिख देना, और बैक कर दीजिएगा। बैक करेंगे, आप जैसे बैक करेंगे देखो इस पे ग्रीन टिक आ गया, यानी कि ये टास्क भी कंप्लीट, ऊपर 2/5 आ गया। फिर तीसरे पे करेंगे, कंप्लीट पे करेंगे, ओके करेंगे, ऐड फाइल करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक, अपलोड, उसकी फ़ोटो अटैच कर, सॉरी, चेकबॉक्स पे क्लिक, अपलोड, गैलरी पे जाएंगे, फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, अटैच सक्सेसफुली। रिमार्क्स में आपको कुछ डालना है तो कुछ भी, आपको जो भी डालना हो आप वो डाल दीजिएगा प्लीज़ अपनी तरफ से। बैक करेंगे, यस, एग्जिट। सब टास्क का नाम क्या है रखेंगे, वर्किंग कमेटी एंड प्लान एक्टिविटी ठीक है। यहाँ से बैक करेंगे, बैक करते ही थर्ड आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पे है कंडक्ट डिफरेंट एनरोलमेंट एक्टिविटी, कंप्लीट, ओके, ऐड फाइल, कंफर्म, अपलोड। इसके अंदर आप वो फोटोज़ डालेंगे जो आपने एक्टिविटी कराई होंगी, एक फोटो है तो एक, मान लो आपकी दो फोटो हैं, दोबारा गैलरी पे क्लिक करेंगे, दोबारा फोटो सिलेक्ट करेंगे, वो अपने आप अटैच हो जाएगी, अटैच सक्सेसफुली। रिमार्क्स में आप जो भी एक्टिविटी आपने कराई है, ठीक है, आप आंगनवाड़ी गए हो, कहीं आपने इवेंट करवाया है, वो आप डिटेल डालेंगे। वापस बैक करेंगे, यस, एग्जिट करेंगे, ऐड सब टास्क डिटेल, ऊपर ये जो कराया था एनरोलमेंट वर्किंग कमेटी है ना, जो भी इसका सुटेबल टाइटल होगा आप वो इसके अंदर डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से बैक कर दीजिएगा। उसके बाद ये आपका फोर्थ टास्क कंप्लीट हो गया, ऊपर दिखाएगा 4/5 पे टास्क पे फिर कंप्लीट आप चेक इन करेंगे, स्टेटस पे कंप्लीटेड दिखा देंगे, फिर से ओके कर देंगे, टास्क का सब नेम इंक्रीज अनरोलमेंट, ऐड फाइल, वो जो आपको मैंने दिखाया था लास्ट ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज, वो आप इसमें डाल देंगे, अटैच सक्सेसफुली। यहाँ पे आप रिमार्क्स में कुछ भी जो आप डालना चाहें वो आप डाल दीजिएगा, बैक कर दीजिएगा, यस, एग्जिट करेंगे। सब टास्क का नाम मांगेगा तो इंक्रीज अनरोलमेंट डाल दीजिएगा और बैक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखो आपके पाँचों के पाँचों टास्क ग्रीन हो गए हैं, ऊपर भी 5/5। अब है इसको सबमिट कैसे करना है, सबमिट करने के लिए आप सबमिट इंप्रूवमेंट पे क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, सिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो सिंक का आइकन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर सिंक करेंगे। सिंक करने से क्या होगा, आपके जो 5 के 5 काम हुए हैं वो सबको वो सिंक कर देगा इस प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ये सिंक कर देगा और आपका ये डाटा सिंक हो जाएगा। सिंक होने के बाद देखो ये ग्रीन हो जाएगा सिंक, पहले ये ब्लू कलर का था, अभी ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब आपका टू फिनिश सबमिशन क्लिक ऑन सबमिट बटन, इसके बाद आप सिर्फ इसके ऊपर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे और आपका डाटा सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपका काम खत्म। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। अपनी तरफ से कोशिश की गई है कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए और पूरा का काम जल्दी से और बिना किसी टेंशन के ख़त्म हो जाए, इसकी कोशिश की गई है। तो धन्यवाद आप सभी का।